चमोली और बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत के मारे घरों से लोग बाहर निकल आए हैं। बागेश्वर के कर्मी गांव में 6 सेकंड का भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई। वहीं देर रात 2:55 पर आए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई थी। वहीं भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अच्छी खबर यह है कि कोई भी जान माल की सूचना नहीं है, लेकिन बता दें आपको करीब रात 2:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे चमोली और बागेश्वर में, और इसके बाद जो घरों में लोग मौजूद थे वो डर के मारे बाहर आ गए, और इसी के बाद दहशत का माहौल भी है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में या ये कहें कि इस भूकंप के झटकों में कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जो लोग इन घरों में मौजूद थे वो यहां से बाहर खड़े हो गए, घर से बाहर निकल आए, ताकि और अगर कोई झटके महसूस होते हैं या कुछ और होता है तो उससे कोई जनहानि से बचा जा सके। लेकिन अच्छी खबर यही कि कोई भी जनहानि या जानमाल की हानि नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, करीब 2:55 पर, सुबह 2:55 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं चमोली और बागेश्वर में। इनके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मापी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र रावत चमोली से जुड़ रहे हैं और अमित उप्रेती चमोली से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर क्या कुछ इस भूकंप से महसूस किया गया और बताया जा रहा है कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है? जी प्रशांत, बिल्कुल देर रात 2:55 से जिस तरह से एक तेज झटका भूकंप का आया था, लेकिन वो पिछला जो 2013 की आपदा हो या 1999 का जो भूकंप है उनको लेकर अभी भी लोग उबर नहीं पाए थे, लेकिन इस तरह के जो झटके आए उससे लोग अपने घरों से निकल कर बाहर आ गए थे और अभी भी लोग दहशत में हैं कि क्योंकि पिछली जो आपदाएं हैं उनसे लोग काफी डरे हुए हैं। और हालांकि देर रात जो भूकंप आया उससे पूरे जिले में कहीं भी इस तरह का नुकसान की जो सूचना वो नहीं आई है, ये बड़ी एक खुशी की बात है, लेकिन जो दहशत है वो लोगों में बना हुआ है। बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, 5.1 रिक्टर स्केल पर अगर हम तीव्रता की बात करें, अगर बहुत ज्यादा ना हो तो बहुत कम भी नहीं थी, नुकसान भी इससे संभावित था, लेकिन गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बागेश्वर फाइव जोन में यहाँ पर आता लगातार यहाँ पर कभी ना कभी यहाँ पर भूकंप के झटके लगातार महसूस लगातार किए जाते हैं। वैसे कल रात जब 2:30 से 3:45 के करीब जब यहाँ पर भूकंप का झटका यहाँ पर आया, इसको देखकर जब सुबह यहाँ पर प्रशासन से बात की गई, सबसे पहले जब समाचार प्लस के द्वारा जब आपदा अधिकारी से इस बारे में पता किया गया तो भूकंप के झटकों को लेकर कोई सूचना उनके पास नहीं थी। उसके बाद जब फिर इसके बारे में जब डीएम साहब से बात की गई तो यहाँ के बागेश्वर डीएम साहब का यहाँ पर यह कहना है कि भूकंप का झटके के बारे में हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है और ना ही ऐसी कोई यहाँ पर कोई मशीनें लगी गई है। जब देहरादून से इसके बारे में कोई सूचना आएगी तो तभी इसके बारे में कुछ बताया जाएगा कि कितना यहाँ पर भूकंप का झटका यहाँ पर महसूस किया गया। इससे पहले भी यहाँ पर कई बार ऐसे भूकंप के झटके यहाँ पर आ चुके हैं और जब कल रात जब भूकंप का झटका यहाँ पर इतना बड़ा जब 5 से जब यहाँ पर आया है 5.1 के उससे, तो लोगों का दहशत इतनी महंगा है कि जैसे भी कर्मी में सबसे बड़ा जो भूकंप का झटका बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 सेकंड तक ये भूकंप का झटका आया था। लोग दहशत से पूरे अपने मकान छोड़कर जब बाहर आए, और जबकि वो आपदा का क्षेत्र भी है और कई घटनाएं यहाँ पर इससे पहले भी हो चुकी है। जी शुक्रिया सुरेंद्र आपका, अमित आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद।